उन्होंने कहा साइड में फिर उन्होंने कहा और साफ साफ कर दिया। हाय, गुड मॉर्निंग तो नहीं है, कैसे आप सब लोग? मजे में है ना? बस मजे में रहना चाहिए। देखो देखो हरियाली, बीच रास्ते पे, बीच रास्ते में हरियाली देखो, पीछे जो रास्ता है वो देख लो पहले, ये बहुत लंबा है लेकिन ये ढार है इसकी वजह से दिखता नहीं, इधर भी पीछे, इधर भी पीछे, सही है। तो अभी हम रुके हैं जहाँ जाना है उस लोकेशन से थोड़े से पहले, और वीर को हो गया है गैस, तो मध्यम पादम फुसकी पादम शुरू है इसका, वो कोई नहीं इग्नोर करे, अगर नॉइस तो नहीं आएगा इतनी भी नहीं। चलो तो अभी हम जा रहे हैं जहाँ पे एक बहुत ही बड़ा किला है और वहाँ पे एक हिस्ट्री बन चुकी है, तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल इतना हिंट काफ़ी है, वैसे तो आपको थंबनेल और मतलब टाइटल देख के आपको पता ही चल जाएगा। तो मैं और जया फर्स्ट टाइम जा रहे हैं ना वैसे, हाँ कहाँ जा रहे हैं पता है? मोड़ पर जा रहे हैं हम, मोड़ पर, पर मान उतर क्यों है? हाँ इसका भी बोलो, वीर भी आ रहा है साथ में, फर्स्ट टाइम है वो भी। और कितना पादों में भाई, कितना गैस छोड़ेगा यार, तो क्या खाया है ये भात बटेटा का वो है। तो जा रहे हैं, तो अभी हो रहा है 2 और आज तारीख है 28 जुलाई, 2 बज रहा है। तो इस व्लॉग की शुरुआत हम यहीं से करते हैं। सलाम नमस्ते, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल गाइस, आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, चुस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो बने रहिए इस व्लॉग में एंड तक हमारे साथ, स्किप ना करें, पूरा देखें ताकि आपको पता चले, और जल्दी जल्दी में देखने के चक्कर में अच्छा होता है वो स्किप में निकल जाता है, तो बस यही बोलना है और कुछ नहीं है। काट काट के मत देखो, पूरा देखो, ये जय बोल रही है। और बहुत ही अच्छा प्लेस है, अकेला इंसान यहाँ पे आएगा ना फटेगी, सच में बोल रहा हूँ। देखो यार पहाड़ी पहाड़ है चारों तरफ लेकिन हरियाली बहुत है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बढ़ते हैं आगे। बीच रास्ते में ज़्यादा खड़ा रहना नहीं चाहिए क्योंकि ये रास्ता बहुत ही छोटा सा है, तो व्हीकल्स काफ़ी आते रहते हैं। तो चलो बढ़ते हैं आगे और मिलेंगे मोड़ पर में, मज़ा ही मज़ा आएगा, बहुत ही अच्छा जगह है। चलो फिर तो भी शुरू कर दे, हाय हाय बोलो, हाय हाय कैसे हो? मजे में, तू पदम मध्यम पदम वो हाँ तो भी तोबी क्या तोबी तोबी मोड़ पर जा रहे हैं सब। मोलू पर जाना है, मोलू पर जाना है, मोलू पर नहीं मोड़ पर, मोड़ पर, मोड़ पर, मोड़ नहीं करना है तो इसे बोलने में लाओ ना, तो भी मैं हमारे साथ भाई, अपने बाइक चढ़ी जाए ऊपर, पम पड़े हुए मुके नत ने आ हूं थियो, तो मतलब कहीं ओलो मोल्ला बेना तने में हूं कहीं गतु ने, એટલે કોણ હતા એ? કેમ કે મેં હાંભળ્યું કઈ ખબર નથી, મેં કીધું કઈક બોલી દે ને પછી કેટલા જણા હતા ખબર? 3 વયા ગયા ને તો બિચારા, અરે યાર વર્ષો થઈ ગયો હે ને એને તો, આ કિલો કેનો હતો, મતલબ કોઈ રાજા કે રહેતો પેલા ગયા? હા જૈન સાહેબ, હા આપણે જૈન સાહેબ જામનગર, હા હા ઓલો જામ સાહેબ કે લહેતા હે, गरक गरक मोटरसाइकिल लहरता है, खड़ नहीं खा है तो लहरता है, नाती की पर जावाना है खबर नहीं था। देखो एक बार, ये बरसों पुराना है और आज भी हैवी लग रहा है, मतलब आगे जाके बात करते हैं, देखते हैं कि इसमें ना, और यहाँ पे एक नोटिस है, आप पोज करके पढ़ सकते हैं इसको, और ये तब भाई पहाड़ी लोग थे, ये तो छोटा सा ही है, ये इतने सा ही है, देखो मेरे साइज का ही है, तब कोई बड़े इंसान आता था तो ये पूरा ओपन होता।
पे विंड काफ़ी है और ऊपर जाने का फिलहाल तो मुझे एक ही रास्ता नज़र आ रहा है यहाँ से अगर ऊपर जाना है तो, वो जो ये मेरे पीछे यहाँ से स्टेप्स जा रहे हैं तो वहीं से हम ऊपर जाएंगे और काफ़ी अच्छी जगह है। अभी मैं आ गया हूँ किले के उपले हिस्से पे। क्या व्यू है, इतना फास्ट तेजी से एयर आ रहा है ना, पूरा हिल डुल हो जाता है, अगर ध्यान से नहीं चलोगे तो फिर गिर जाओगे सच में। ये जो पूरा हैंड मेरा बाहर है तो ऐसे से मूव कर रहा है, ये तो हाई पर स्मूथ है, इसकी वजह से पता नहीं चलता। अगर मैं मोबाइल में ऐसे ही लॉक करता तो आपको कितना हिल डुल है, वाइब्रेटिंग है, वो पता चल जाता। तो बस ये थोड़ा सा पीछे आ जाता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि गिर विर जाए। और नाइस है ना, यहाँ पे देखो ये जो ऐसे 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 होंगे ना इस तरह से, यहाँ पे बड़ा है फिर अंदर जाके छोटा हो जाएगा। ये पता है वो है कि गन्स वगैरह होंगे यहाँ पे तो उसका जो वो आगे का हिस्सा होता है वो वहाँ पे जाएगा, फिर फायर कर सकते हैं हर जगह पे। तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ इस साइड में भी है। यहाँ पे शायद बड़ी गन होगी, इधर थोड़ा सा बड़ा है और यहाँ से खिड़की से भाई जो लोग है वो देखते होंगे। और बाहर आप देख सकते हो लोग आए हैं, जो काफ़ी लोग सारा लोग आते हैं यहाँ। यहाँ पे ऊपर आप देखो चिड़ियों ने अपना घोंसला बना के रखा है, ये चिड़ियों का घोंसला है, ये बहुत बरसों पुराना है भाई। देखो किस तरह से कारीगरी की है, पूरा ये वुड है, ये ओरिजिनल वुड है, इतना बरसों पुराना। और मेरी बाइक में देखो वहाँ पे ना फोटो शूटिंग कर रहे हैं, उन लोगों को पता नहीं किया। चलो ये उस जमाने का शौचालय है, चलो दिखाता हूँ मैं। देखो उस जमाने में शौचालय कैसे हुआ करते थे, ऐसे तो ये उस जमाने का शौचालय मतलब समझ रहे हो ना, बहुत ही कारीगरी की है। यहाँ से जो भी माल निकलेगा डायरेक्ट नीचे, और यहाँ पे भी है शौचालय में भी आप जाओ, मतलब जाते थे लोग तो गन वन लेके जाते थे। देखो यहाँ से भी है, कुछ नहीं दिखेगा बाहर लेकिन है, तो बस कुछ इस तरह से है। और वो साइड पे क्या है, इधर भी कुछ है, चलो देखते हैं। और यहाँ भी एक रास्ता है इस तरह से बालकनी जैसा है, चलो आगे बढ़ते हैं देखते हैं। और एक इधर शौचालय है, शौचालय बहुत है। और एक इधर है, बहुत शौचालय है भाई इसमें, क्योंकि देखो उस टाइम जय बोल रहे हैं बहुत सारे शौचालय से आ देख ले, तो मैं बोल रहा हूँ कि उस टाइम पे बहुत सारे लोग रहते होंगे। और जो नॉइस आ रही है ना चिड़ियों की, वो चिमका धड़ है यहीं कहीं पे, ये उसी का नॉइस है। और यहाँ पे ना ये पूरा दब गया ऐसा लग रहा है, तो हम नहीं चाहते कि आगे जाए और कुछ प्रॉपर्टी का नुकसान हो, और नुकसान के साथ हम भी गिरे और कुछ लग जाए।
क्योंकि यहाँ पे सब वो खंडेस हो गए हैं और जो ये नॉइस आ रही है वो चिमगादड़ की है, वो जो छोटे छोटे होते हैं ना ब्लैक कलर के, नहीं जाना चाहिए क्या? वो बहुत डेंजर रहते हैं भाई, वो चिमगादड़ बोलते हैं ना वो छोटे छोटे। चलो यहाँ की एक कहानी है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट बट आई वॉज हर्ट मेनी टाइम्स। तो यहाँ पे पहले बोलते थे कि कुछ तीन लोग थे, नॉट श्योर तीन थे या फिर उससे ज़्यादा या कम, वो लोग पीकॉक बने थे मोर, क्योंकि उनको लगता था कि मोर अगर अपने पंख से उड़ सकता है तो हम क्यों नहीं। तो उन लोगों ने कुछ जुगाड़ किया था और यहाँ कहीं से तो जंप लगाया था, तो वो लोग की डेथ हो गई थी, तो भगवान उसकी आत्मा को शांति प्रदान करे और यहाँ पे वॉर में जो भी जिस कारण जिसकी भी मौतें हुई हैं शहीद हुए हैं उन सब की आत्माओं को शांति मिले, जहाँ भी रहे खुश रहे। और कुछ ऐसी आवाज़ आ रही है, डर लग रहा है सच में, तो पक्का है नहीं पता जितना है उतना। और यहाँ पे एक भाई ने बताया वो सही है गलत, जामनगर के जो जाम साहब थे उसका ये किला था। और क्या है भाई क्यों मार रहे हो, आगे रुको ना एक मिनट यार फिर बढ़ते हैं। तो बस इस तरह से है, बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है, आपको फैमिली के साथ आए, यहाँ भी और एक फैमिली आई है तो बस अच्छा लगेगा आपको, और भी आगे है हम देखेंगे, लेकिन याद आया तो सोचा कि बता दूँ मैं, समझ रहे हो ना भावनाओं को समझो। और बहुत काफ़ी ये रहे तो सोचा यहीं कहीं कोने में रह के बात कर लूँ, क्या कि छू छू फूफू हो जाएगा बाद में आपको सुनाई नहीं देगा, तो अच्छी बात नहीं है। देखो यहाँ से प्यार से मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, फिर भी आपको अच्छे से सुनाई दे रहा होगा। तो चलो हम बढ़ते हैं आगे, बहुत ही अच्छी जगह है, कहीं अभी रुकेंगे, थोड़ा सा पानी वानी पियेंगे, कोल्ड ड्रिंक है वो पियेंगे, नाश्ता करेंगे, वेफर्स हैं। इसको भूख लग गई है भाई आपको, देखो मुँह कैसे बना रहा है, इतना इमोशनल मुँह बनाता है ना, कसम से लगता है पूरी दुनिया लुटा दो। सुबह सुबह उठ के इसको भूख लगती है, बच्चा है भूख तो लगेगी ना, क्योंकि इसकी पूरे दिन एनर्जी फुल रहती है इसी वजह से कि बच्चे खाते जाता रहते हैं और बहुत सारे लोग आए। चलो फिर बढ़ते हैं कहीं आगे और रुकते हैं, ठीक है ना? ठीक है, आप भी थोड़ा सा बोल लो, सब लोग बोल रहे हैं आप बात नहीं करते हो। मैं बात करूंगी तो आपकी बोलती बंद हो जाएगी, ये भी सही है। और जो भी लोग देख रहे हैं बाहर से पीछे, आप हम देख रहे हैं आप नहीं देख रहे हैं, वो नोटिस कर रहे हैं कि ये क्या बड़बड़ा रहा है भाई हाथ में, ये तमन से जैसा लेके, क्योंकि जगह ही ऐसी है यहाँ पे, तमन से गन्स वगैरह होंगे तो हम भी अपना तमन से खुद का लेके आए, कोई बात नहीं। चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुछ और, नाश्ता भी कर लेते हैं। चलो बने रहिए। गांव है ये, जो इस साइड से जो रास्ता आता है वो रानावाव से होके आता है, फिर इस साइड ऐसे जाता है वो भाणवर जाम। और गए थे वहाँ पे, बहुत ही अच्छा लगा, और वहाँ पे कुछ ऐसे दो तीन लोग लड़के लोग थे जिसका बिहेवियर हमें अच्छा नहीं लगा, दे लुक लाइक यू नो माफिया टाइप, मे बी उसका लुक ऐसा था या फिर वो लोग ऐसे या वो लोग ऐसे थे कुछ इस तरह से। स्मेल आई जब तू भी निकल ले भाई, लोग नहीं बनाने देते भाई सच में, कि स्मेल ऐसी आई पता नहीं, शायद वो मदिरा पान कर रहे हो इस तरह से लगा हमें, तो कोई बात नहीं फिर हम जल्दी जल्दी निकल गए, हैंडिंग उधर नहीं किया, क्योंकि देखो अगर लड़के अकेले हैं हम, मेरी तरह मैं अकेला होता और मेरे साथ लड़के होते तो अच्छा रहता, कोई बात नहीं थी, लेकिन मेरे साथ वीर और जया थी तो आई हैव टू प्रोटेक्ट देम, क्योंकि वो अच्छी बात नहीं है। तो बस इसी बात से हम आगे आ गए, फिलहाल इस ब्लॉग की हम समाप्ति यहीं पे करते हैं। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, फिर से जाना चाहोगे? यस। अकेले? बिल्कुल अकेले नहीं, नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर नशेड़ी ज़्यादा आते हैं इसी जगहों पे, कोई नहीं वो काटेगा नहीं। तो बस यही है, तो इस ब्लॉग की समाप्ति यहीं पे करते हैं, सो थैंक यू फॉर मेकिंग पार्ट ऑफ वीडियो, सी यू गाइस इन नेक्स्ट ब्लॉग, टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट बट नेवर ट्रबल विद एनीवन, लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों अपने फैमिली के साथ, और इसी तरह हम कल वापस एक अनदर ब्लॉग में मिलेंगे, तो बाय बाय, गुड नाइट, टाटा, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी देख रहे हो जहाँ से भी देख रहे हो बस प्यार बरसाते रहे और
जो लास्ट टाइम लाइव किया था जुगाड़ करके, तो उसमें काफ़ी सारे व्यू आए और इतना सपोर्ट दिया और इतना प्यार दिया, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं और आगे भी लाइव करते रहेंगे भाई, जुगाड़ करते रहेंगे। और वैसे बारिश हो गई है शुरू, तो इससे पहले कि हम भीग जाए, हमारा कैमरा भीग जाए और ये हमारे नन्ना मुन्ना सा छोटा सा प्यारा सा, उन्हें तो पोपट लाल के जैसे छाता लेके, हाँ, और पोपट लाल का छाता लेके आए हैं। और कुछ बहनें जा रही है यहाँ से जो मालदारी परिवार से, वो लोग देख रहे हैं कि ये क्या बड़बड़ा रहा है, हाथ में तमंचा लेके। तो बस ज़्यादा हो रहा है ना, मुझे पता है, मैं शुरू होता हूँ बंद नहीं होता हूँ। मैंने बोला है इन लोगों को बंद करने का, कुछ जुगाड़ करो, लेकिन ये लोग कुछ करते नहीं है और ये लोग कुछ नहीं करेंगे तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो चलो फिलहाल के लिए भाई भाई और मिलते हैं आगे। तो आप क्यों ही करना जो बताए भूला वगैरह, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ठोको तुम, तुम्हारे फ्री है अने हालो जाए तो जरी हाथों को कुछ धोवा जाए ने डीमी। चलो फिर बाय बाय, आई लव यू ऑल, बाय बाय।